रहा है। मतगणना के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने गुंडई की है। मतगणना में इन लोगों ने मत पत्र को फाड़ा है, मत पत्र फाड़कर कार्यकर्ताओं ने मुंह में डाल दिया है। निसंदेह ये गुंडई है। पुलिस की मौजूदगी में ये सब कुछ होता रहा और पुलिस वहां पर मूक दर्शक बनी रही, वो कुछ नहीं कर पाई। हैरानी की बात ये भी है, पुलिस की मौजूदगी में आमतौर पर जब चुनाव या मतगणना होती है तो पुलिस पीएसी की टीम पूरी होती है, दंगा नियंत्रण फोर्स भी वहां पर होती है, लेकिन सबसे हैरानी की बात कि इन्हें करने दिया गया। हम आपको दिखा रहे हैं, ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने माला पहन रखा। देखिए कैसे मतपत्र को फाड़ रहे हैं। यही आगे आएंगे विधानसभा लोकसभा, इनकी फितरत क्या है, इन्हें रोका नहीं जा रहा है। ये देखिए, फिर से देखिए आप, हम आपको दिखा रहे हैं, पुलिस है वहां पर, बकायदा चुनाव अधिकारी हैरान हो गई, वो पूछ रही हैं, लेकिन इन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं है, कोई डर नहीं है। और अब ये देखिए वहां पर पुलिस भी मौजूद है, पुलिस भी वहां पर खड़ी है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर सकती। ये सभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, अनुशासन में रहना इनकी ड्यूटी होती है, इन्हें सबसे पहली बात जो सिखाई जाती है वो अनुशासन में रहना ही सिखाया जाता है। रोहित सिंह वाराणसी से हमारे संवाददाता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं, इन्होंने ये अहम खबर ब्रेक की है और ये विजुअल आपको दिखा रहे हैं। रोहित जरा बताइए कि ये इन्होंने क्या किया, क्या ये प्रत्याशी थे, हार गए, क्या हुआ, इतने बौखला गए कि मतपत्र फाड़ दिया? देखिए ये लोकतंत्र में जो चुनावी नर्सरी होती है उसकी पहली पाठशाला जिसको कहा जाता है छात्रसंघ का, और इसमें जो नजारा आप देख रहे हैं कि एबीवीपी के जो समर्थक हैं प्रत्याशी हैं इनसे अपनी बौखलाहट, हालांकि अभी तो मतदान ही हो रहा है लेकिन इनको इतना भी इंतजार नहीं था कि परिणाम क्या निकलेंगे, अंतिम परिणाम क्या निकले, यानी जाहिर है कहीं ना इनको अपनी हार का एहसास हो गया था, इसके कारण तमाम सुरक्षा व्यवस्था इन सब चीजों को धक्का बताते हुए, पहले तो मारपीट हुआ, मारपीट के बाद पुलिस वहां आ गई, उसके बाद पुलिस को धक्का बताते हुए घुसते हैं और जिस तरीके से हरकत कर रहे हैं कैमरे में कैद हो गया है उससे साफ साफ पता चलता है। ये बताइए क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, ज्ञानशील एकता की बात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कहती है? पांच लोगों को, पांच छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और महाविद्यालय प्रशासन से लिखित तहरीर भी ले ली है और तहरीर के आधार पे इनके खिलाफ मुकदमा किया जा रहा है और पुलिस अधिकारी का कहना है कि चाहे कोई भी हो, किसी भी संगठन से जुड़े हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया रोहित इस पूरी जानकारी के लिए आपका। रोहित ने अहम जानकारी दी, सभी को हिरासत में ले लिया गया है। और आपको बता दें कि जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पहली लाइन होती है वो ज्ञानशील और एकता, लेकिन इनके अंदर ना तो ज्ञान है, ना शील है और ना ही एकता है। आगे बढ़ेंगे खबरों में, खबर दिल्ली से है। सीएम योगी आदित्यनाथ होटल से रवाना हुए हैं, होटल हयात से निकले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए थे, हिंडन एयरबेस के लिए सीएम रवाना हुए हैं। चूंकि हिंडन एयरबेस से इन्हें सीधे लखनऊ नहीं आना है बल्कि प्रयागराज आना है, प्रयागराज